सब्स्टिट्यूशन हो गया था ना, है ना, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन के ऊपर इसमें क्या क्या बात किए थे एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। इसमें जैसे इसमें मैंने आपको ये बता दिया था, ए की पावर टेन इनवर्स एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए तो इसमें किसको टी मानना है, जहाँ बेसिक में गड़बड़ी हो। हाँ टेन, क्योंकि होता तो एक ही और एक्स है ना, इसका बेसिक क्या होता है, बेसिक होता है ए की पावर एक्स, लेकिन एक्स का भी कौन बैठ गया है टेन इनवर्स एक्स, इसीलिए मुझे टेन इनवर्स को टी मानना चाहिए। तो मैं क्या मानूंगा, लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर टी। इसका मतलब ये कि जैसे मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब कौन किससे रिप्लेस होना है वह देखना है, ये वाला तो अगर टी बन ही गया, एक्स डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर वही तो है, डी एक्स बटे वन प्लस कौन रिप्लेस कर रहा है इसको, डी टी, तो यहाँ डी टी आ जाएगा। अच्छा यहाँ किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था और यहाँ आप किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, हाँ तो इसका इंटीग्रेशन इक्वलिटी, तो इक्वलिटी होता है प्लस के सी, वापस में अब टी का वन चिपका दो, टी का वन कितना था टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी, है ना। तो ये सब हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड पे बात कर लिए थे, अब आते हैं इसके भी आगे। क्वेश्चन बोलते जाइएगा, अच्छा ऐसे बुक में एनसीईआरटी क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, इसमें मेरे पास है अवेलेबल, उनको करवा देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन तो पूरा क्लियर हो ही गया था, अब उसमें तो क्वेश्चन बचा ही नहीं है। एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन लेते हैं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में रूट अंडर टेन एक्स है बटे साइन एक्स है इंटू कॉस एक्स है, साइन एक्स है इंटू क्या है, मैंने ऐसे केस में आपको समझाया कि जब भी साइन और कॉस देखो कोशिश करो कि टेन बन जाए, क्या बन जाए, अब बताइए जरा ये टेन कब बनेगा, नीचे वाला टेन कब बन सकता है, कॉस से भाग लगाइएगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, अब वो टेन बनाना है ना, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते तो एक कॉस कटेगा फिर भी एक कॉस बचेगा तो साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा टेन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉमिनेटर एंड डोमिनेटर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से, अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूँगा तो ऊपर वाला मैंने टेन एक्स को भी डिवाइड करूँगा, इसमें भी डिवाइड लगाऊंगा कॉस स्क्वायर एक्स का सब में, और नीचे वाला भी मैं कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड लगाऊंगा। अब देखिए जैसे आप इसको कॉस एक्स का डिवाइड लगाने वाले हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऊपर वाला अंडर रूट टेन एक्स ठीक है, और ये ऊपर जाके बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे से कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा फिर भी वो कॉस बचेगा ना, और साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा टेन एक्स, टेन एक्स कॉस से कॉस कचा फिर भी तो वो कॉस बचा ना, यहाँ दो कॉस था, यहाँ कितना कॉस था एक कॉस कटा फिर भी एक बचा, तो साइन बाई कॉस्ट क्या बनता है टेन, आगे चल के आपको ये और ये भी कटेगा, और रूट टेन एक्स यहाँ पर कितनी बार रूट टेन एक्स लिखते हैं, दो बार, जो टेन एक्स का मतलब रूट टेन एक्स गुना रूट टेन एक्स होता है, तो एक वो कटेगा तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स बटे कितना रूट टेन एक्स। अब आपको ऐसे ही फील आ जाएगा कि इसमें किसको टी मानना चाहिए, टेन एक्स को, टेन एक्स को टी मानते हैं, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाँ तो आपको क्या करना है लेट टेन एक्स बराबर टी मान लेना है, टी मानते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो ये कर लेना है आपको, टेन एक्स को जैसे टी मानिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कैसे, जैसे टी माने इसको तो टेन एक्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, तो ऊपर को रिप्लेस करने के लिए कौन आएगा सेक स्क्वायर डी एक्स को रिप्लेस करने के लिए डी टी, और नीचे से हो गया आपका रूट टी, और रूट टी का इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन होता है टू रूट टी प्लस का सी, इसका मतलब टू और रूट टी माना रूट टी का मान तो टेन एक्स है ही, तो टेन एक्स प्लस सी, है ना। एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया, अब अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं।
एक और दिमाग लगाते हैं, एक क्वेश्चन पे दिमाग लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है सेक क्यू एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। आपको आपको ये सोचना है कि ये कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिएगा ओड पावर ब्रेक, जब भी ओड पावर मिलेगा उसको ब्रेक करना है। तो ओड पावर को ब्रेक को कैसे करेंगे, देखिए जरा ब्रेक कैसे करेंगे। ये आपका हो जाएगा टेन एक्स को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टेन एक्स को नहीं कुछ कर रहा हूँ। अब एक और दिमाग लगाते, क्या मैं इसको sec x इंटू sec स्क्वायर x लिख सकता हूँ क्या, और इंटू में dx। देखिए जरा कितना डिग्री हो गया, दो एक, तो ओड पावर ब्रेक करना है। अब आपको इसमें इतना दिमाग लगाना है कि sec स्क्वायर x को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, और tan x इंटू sec x को एक साथ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ और dx को भी लिख रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है, लेट sec x को t मानना है। जैसे आपने sec x को t मान लिया तो sec x का डिफरेंशिएशन रहता है sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो देखो ऊपर तो आपके पास क्या क्या बच रहा है, इसका मतलब इसको आप क्या बना थे, sec x को t माने थे ना, तो ये तो बन गया आपका t स्क्वायर, और sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स को कौन रिप्लेस कर रहा है, डी टी, तो ये बन गया डी टी। तो ये हो गया कितना, तीन बटे तीन, और t का मान क्या रख दोगे जल्दी बोलो, sec, तो बन जाएगा sec क्यू एक्स बटे तीन। पता चला दो डिग्री था, तो इसमें एक डिग्री जुट जाता है ना इंटीग्रेशन में, तो दो एक तीन बटे तीन हो जाएगा। अब अगला देखिए, जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो लगभग हम कर देते हैं इससे। एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन अवेलेबल है, देखिए इंटीग्रेशन में है टू प्लस साइन थ्री एक्स और इंटू में ऐसा, तो परंपरा ये है ना कि हम जब भी मानते हैं रूट वाले को फ्री करने के लिए मानते हैं, क्योंकि बेसिक में रूट एक्स होता है। यहाँ है क्या टू प्लस साइन थ्री एक्स, जबकि होता है यहाँ रूट एक्स है ना, तो मेरे को टू प्लस में साइन थ्री एक्स को क्या मानना चाहिए। जैसे आपको इसने टी बोला, ये बोला तो जीरो हो जाएगा, और साइन थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और फिर थ्री एक्स का इंटू थ्री इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो देखिए जो अवेलेबल उसको रख लेते हैं, जैसे कॉस थ्री एक्स इंटू डी एक्स बराबर, तीन अवेलेबल नहीं, तीन को उधर भेज दीजिए, तो बन जाएगा ये कॉस थ्री एक्स इंटू डी एक्स बराबर में डी टी बाई थ्री। तो ये वाला किससे रिप्लेस हो गया, इसके जगह आप क्या लिख सकते हो टी, इसके जगह आप क्या लिख सकते हो टी, और कॉस थ्री एक्स इंटू डी एक्स का भी क्या लिख सकते हो, कॉस थ्री एक्स इंटू डी एक्स जगह देखो क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई थ्री। तो इसमें वन बाई थ्री कहाँ चला जाएगा, बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट थ्री इंटी डी टी। इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया है टू बटे थ्री, टू बटे और टी का पावर थ्री बाई टू प्लस का सी, और वापस आप टी का मान रख दोगे, टी का मान कितना है टू प्लस साइन थ्री एक्स है ना। और एनसीईआरटी क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है तो वो भी ले लेते हैं, जितना एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा वो लगभग इसके कर देंगे हम। नहीं अब एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लगभग मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है मैं अपनी तरफ से करता हूँ। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही है, e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर, ठीक है, और अंदर की तरफ दिया है x e की पावर x। देखो ऐसे भी आपको लग जाएगा कि बेसिक में गड़बड़ी तो दिख गया, इसी जगह बेसिक में गड़बड़ी है, क्योंकि होता कॉस स्क्वायर एक्स है बोल रही है ना, लेकिन कितनी चीज़ों को लेकर आ गया, बहुत चीज़ों को, इसलिए मैं इसको टी मानूंगा। एक्स की पावर एक्स बराबर टी, डिफ्रेंशिएट करिए, एक्स रुका इसका डिफ्रेंशिएट यही होता है, प्लस अब की बार कौन रुकेगा, ए की पावर और एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा वन, और पूरे में डी एक्स बराबर डी टी। अब इससे कॉमन क्या रहा है, कॉमन बोलिए तो ए की पावर, तो क्या बन रहा है वन प्लस एक्स, बात समझ में आया, एक बार एक्स कॉमन कर ले तो वन प्लस इंटू डी एक्स बराबर डी टी। देखो ऊपर वाला तो शायद रिप्लेस हो गया, किससे रिप्लेस हो रहा है ऊपर वाला, डी टी से, डी टी से, देखो ना एक बार डी टी से नीचे आ जाइए, नीचे कॉस स्क्वायर, और इसको आपने क्या बोला था टी ना, तो कॉस स्क्वायर टी, और ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन एक्स टेन टी प्लस सी। इसका मतलब ये कि हो गया टेन और टी का मान
टीका मान क्या माना था आपने, देख लीजिए टीका मान क्या माना था, एक्स इंटू की बार एक्स प्लस का सी। अभी प्लान ये सब कॉपी करिए फिर और आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं, आगे थोड़ा मोड़ा फार्मूला है पहले वो लिख लीजिए, उसका नाम है ट्रिगो आइडेंटिटी। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं फिर भी एक बार आपको लिखा देते हैं क्योंकि आप इसी भी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। देखिए नाम है ट्रिगो आइडेंटिटी। देखिए इससे पहला फार्मूला आपको मैंने सिखाया था साइन टू एक्स, साइन टू एक्स का होता है टू साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स, और अगर कल को सिर्फ साइन एक्स हो गया तो ये बन जाएगा टू साइन कितना एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, है ना, वो हम सोच लेंगे बाद में, ठीक है। अब आगे देखिए आपको मैंने कॉस टू एक्स भी सिखाया था, इसका फार्मूला था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, इसी को कई लोग लिखते हैं वन माइनस में टू साइन स्क्वायर एक्स, इसी को कई लोग लिखते हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, है ना। अच्छा एक फार्मूला अभी भी समझ लीजिए कि कल को अगर कभी भी वन माइनस कॉस टू एक्स आ जाए, वन माइनस कॉस टू एक्स, तो इसका मतलब होता है टू साइन स्क्वायर एक्स, और अगर कॉस टू एक्स माइनस वन हो जाए तो कॉस टू एक्स हो गया माइनस वन, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सॉरी प्लस, ऐसा वन प्लस में कॉस टू एक्स आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है टू कॉस स्क्वायर, अगर प्लस वाला हो गया तो कॉस, अगर माइनस वाला हो गया तो साइन, ठीक ना। हाँ इसका कभी कभी आधा भी कह सकता है, ये आधा भी कभी कभी कर लेता है, जैसे क्या जैसे वन माइनस कॉस एक्स लिख लेगा तो इसका मतलब हो जाएगा मात्र टू साइन स्क्वायर, यहाँ भी आधा एक्स बाई टू, देखो टू एक्स एक्स हो गया तो यहाँ एक्स एक्स कितना हो जाएगा एक्स बाई टू, अगर वन प्लस कॉस एक्स लिख लिया तो यहाँ भी आधा कर देना, ये लिख देना टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। अच्छा एक और फार्मूला जो उतना ही इंपॉर्टेंट, जैसे वन माइनस में साइन टू एक्स, इसका फार्मूला होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, हाँ, और ये अगर वन प्लस में साइन टू एक्स आ जाए तो यहाँ भी प्लस लग जाता है, बन जाता है कॉस एक्स और प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर, अगर यहाँ टू एक्स है तो यहाँ एक्स है, अगर यहाँ एक्स हो जाएगा तो ये एक्स बाई टू और एक्स बाई टू में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपको एक फार्मूला और समझना चाहिए, क्या जैसे आपको ये भी आना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स, क्या पूछा जाएगा सिर्फ साइन स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा वन माइनस में कॉस टू एक्स डिवाइड बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स पूछा जाएगा तो वन प्लस में कॉस टू एक्स डिवाइड बाई टू, है ना। तो ये हम लोग ये स्क्वायर में रहता है उसको मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ऐसे इंटीग्रेशन इसका निकलता है। अच्छा आपको एक और दो फार्मूला याद हो जाना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, जैसे आपको ये भी याद आना चाहिए टू साइन ए और साइन बी, पहला काम का फार्मूला, इसका मतलब हो जाएगा साइन ए प्लस बी और माइनस में हो जाएगा साइन ए माइनस बी, सॉरी प्लस में साइन ए माइनस बी पहला, और अगर दूसरा कल को ये हो गया टू कॉस ए बटे टू कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस सॉरी कॉस नहीं साइन ए प्लस बी और यहाँ लगेगा माइनस फिर से और ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी, और इसी तरह अगला फार्मूला ये भी आ सकता है, ऐसा आ सकता है टू कॉस ए कॉस बी, तो इसका फार्मूला जाएगा कॉस ए प्लस बी, ये भी प्लस में हो जाएगा यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, और इसमें एक और फार्मूला आ सकता है फोर नंबर माइनस में टू साइन ए और साइन बी, तो इसका फार्मूला हो सकता है बराबर में कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि बिना इसके आगे अब ट्रिगोमेट्री बनेगा नहीं,
पर इंटीग्रेशन बनेगा नहीं, क्योंकि ये सब फार्मूला याद रहेगा तभी आपका इंटीग्रेशन अब बनेगा। देखिए कैसे कैसे क्या है। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन लेता हूँ, बस आपको ये फार्मूला सब याद आना चाहिए, ठीक है ना। इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन अब बनेंगे आपके। देखिए जिसमें से मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन में कल को किसी ने बोल दिया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और आपको ऐसे पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो इसको मुझे मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मल्टीपल कॉस स्क्वायर क्या मतलब, यहाँ देखो कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब जाएगा 1 cos 2x / 2, तो मैं इसकी जगह पर रिप्लेस करके लिख सकता हूँ 1 cos 2x / dx। फिर मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूँ कैसे, क्योंकि ये दोनों नीचे जाएगा, ये बनेगा 1/2 dx, सॉरी अब प्लस में ये बन जाएगा cos 2x / 2 दोनों के नीचे, और इंटू में कितना, इंटू में dx। अब इसको आप अलग अलग करोगे तो ये बन जाएगा 1/2 dx, अगला बन जाएगा इंटीग्रेशन में cos 2x / 2 dx, जो बाहर जाने का बाहर भेजो, जैसे इसमें बाहर जाएगा हाफ तो हाफ dx, इसमें भी बाहर जाएगा हाफ तो क्या बन जाएगा cos 2x / dx, और आपको इसका इंटीग्रेशन आता है हाफ तो ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन प्लस इसमें भी हाफ ठीक है, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और 2/2, तो 2x का नीचे 2 आता है क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है ना, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और फिर 2x/2 प्लस का c हो गया डन इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला अगर याद नहीं था तो फिर ये क्वेश्चन भी थोड़ा अलग हो जाता है ना। मैं आपके सामने और थोड़ा बहुत क्वेश्चन रख देता हूँ, और जिसे आपको मैंने ये भी समझाया था sin 3x का फार्मूला याद है, क्या समझाया था 34 नंबर का, बस मतलब 3 sin x माइनस में 4 sin 3x। अगर आपसे यहाँ sin 3x निकालना है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 4 sin 3x देखिए, और ये हो जाएगा 3 sin x और माइनस में sin 3x, ये बात समझ में आया, ये माइनस बता जाए किसका हो गया प्लस का, क्योंकि मुझे sin 3x चाहिए, और जो चाहिए पहले उसको पॉजिटिव तो कर लो, ये नेगेटिव से क्या बन गया पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब ये कि अगर मेरे को sin 3x चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ 3 sin x माइनस में sin 3x / कितना 4 है ना। अब लोगों ने भी इस पर क्वेश्चन बना दिया, इंटीग्रेशन में sin 3x / dx ही दे दिए, तो लोगों ने भी इसके तरीके देख लिए कि पावर 3 है तो ऐसे बनेगा नहीं। इसके दो मेथड होते हैं, पहला मेथड होता है कि इसका फार्मूला आपको याद आ गया तो वेरी गुड है, तो आप इसका फार्मूला ही ट्राई करो, जैसे फार्मूला लगाओगे इसका फार्मूला बनेगा 3 sin x माइनस में sin 3x / कितना 4। ये फार्मूला किस बना समझ में आया पहले, ये देखिए प्लस माइनस का था उधर जाके किसका बना, और ये तो ऑलरेडी बैठा है, ये प्लस का इधर जाके और इसका 4 हटा के नीचे लगा दिए तो sin 3x आ गया। अब पूरी कहानी में इसमें हम क्या करते हैं अलग अलग, मैं लिख सकता हूँ 3 sin x / 4 और माइनस में इधर देख सकता हूँ sin 3x / 4 इंटू का dx। अब यहाँ से कोई भी आदमी देख के इंटीग्रेशन अलग अलग करवा सकता है, जैसे पहला इंटीग्रेशन होगा तो 3/4 और बनेगा sin x / dx, दूसरा इंटीग्रेशन अलग होगा तो बनेगा इंटीग्रेशन अलग कर लूँगा डायरेक्ट कर देता हूँ, ये बन जाएगा कितना sin 3x / 4 इंटू dx, और इसमें क्या बाहर जाएगा 3/4, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन में sin x / dx, इसमें 1/4 ही मात्र बाहर जाएगा, मात्र 1/4, तो क्या बन जाएगा sin 3x / dx, तो ये बन गया 3/4 sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, माइनस में 1/4 फिर से sin, तो sin को जाएगा -cos 3x, लेकिन अब की बार 3/4 लगेगा प्लस का c, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, तो आंसर हो गया -1 3/4 cos x माइनस माइनस प्लस 4 × 12 cos 3x + c। और मैं आपको एक और फार्मूला याद दिलाता हूँ उतना ही, देखिए आपको मैंने एक और फार्मूला पढ़ाया था cos 3x का फार्मूला, तो 43 नंबर का बस, यानी 4 cos 3x माइनस में 3 cos x, आपको q वाला चाहिए ना उसको उधर भेज दो, तो बन जाएगा cos 3x प्लस का 3 cos x बराबर में कितना 4 cos 3x। इसका मतलब ये कि बन गया cos 3x प्लस में 3 cos x cos 3x / cos x तो cos 3x का भी फार्मूला हो गया। अच्छा इसका एक और तरीका है, ठीक है इसका मेथड 2 भी सुन लीजिए, इसका मेथड 2 क्या है वो देखिए, आपके पास कितना है, आपके पास है sin 3x / dx, ये है ना पावर 3 है, मैंने ओड डिग्री ब्रेक लगाना है, ओड पावर ब्रेक, ओड पावर
ब्रेक। अब ये ओट पावर ब्रेक कैसे करते हैं, देखिए ऐसे करते हैं। क्या मैं इसको साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ क्या? देखिए दो डिग्री और एक डिग्री, कितना डिग्री हो गया ये? तो क्या मैं इसको वन माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, सुनना, क्या मैं इसको वन माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ क्या? तो मैं यहाँ कॉस एक्स को जैसे टी मानूंगा तो इसका डिफरेंशियल साइन एक्स का, देखो जरा मैंने क्या किया, कॉस एक्स बराबर टी मान लिया, तो कॉस इसका डिफरेंशिएशन बोलिए, बिल्कुल माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। लेकिन आपके पास देखो साइन एक्स डी एक्स तो है बट माइनस नहीं है ना, इधर कर दो माइनस को, तो ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। तो आपके पास इंटीग्रेशन में हो गया वन माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि कॉस एक्स को आप टी माने हैं ना, टी स्क्वायर, और माइनस का देखो साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स को कौन रिप्लेस कर रहा है, माइनस डी टी, माइनस ये बन गया वन माइनस टी स्क्वायर, वन माइनस, और साइन एक्स इंटू डी एक्स को कौन रिप्लेस कर रहा है, माइनस का डी टी। अब देखिए आगे चल के ये क्या कर जाएगा, माइनस अंदर जैसे जाएगा तो ये प्लस का और ये वाला किसका दिखेगा, इंटू डी टी। अब आपका काम है इंटीग्रेशन अलग अलग करना, इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर डी टी अलग और माइनस में वन गुना डी टी डी टी अलग, वन गुना डी टी क्या बन जाएगा, डी टी ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर थ्री बटे थ्री और माइनस में टी प्लस का सी, और आगे आपका रखना है मान, टी का मान बोलो, टी का मान तो बन जाएगा कॉस क्यू बटे थ्री और माइनस में फिर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस थ्री। लेकिन आप देखोगे पहले के आंसर से दूसरा आंसर नहीं मिला, मिला क्या, क्योंकि इस बात को तीन बटे चार था बट यहाँ तीन बटे चार नहीं आ रहा है। तो याद रखना कि इंटीग्रेशन में अगर आप ट्रिगो का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो हो ये संभव नहीं कि हर बार आंसर मिले, आंसर मिल भी सकता है और आंसर नहीं भी मिलेगा, क्योंकि इसके रूल प्रोसेस सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आंसर हर बार ही नहीं मिलेगा आपको, हो सकता है कभी कभी मिल रहा, हर बार ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर टी का वन आप कितना रखोगे, कॉस। तो याद रखना कि इसमें जो होता है इंटीग्रेशन जब करते हैं हम ट्रिगो का तो एक से ज़्यादा ना पॉसिबल है, एक से ज़्यादा आंसर आ सकता है, ट्रिगो इंटीग्रेशन में एक से ज़्यादा उत्तर पॉसिबल है, ठीक है, तो अलग अलग आंसर आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, इतना करिए, फिर से अपन कॉल करेंगे।